नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ मेरे तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें कि एमपी से बड़ी खबर, जहां पर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के बाद पूरे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ज्यादा समय तक सत्र चलाने पर सहमति बनी। अविश्वास प्रस्ताव पर कार्य मंत्रणा में निर्णय किया जाएगा और सोमवार से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। तो शीतकालीन सत्र को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोमवार से शुरू किया जाएगा, ज्यादा समय तक सत्र चलाने पर सहमति बन गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर कार्य मंत्रणा को लेकर भी बता दें आपको कि बैठक के बाद बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ज्यादा समय तक सत्र चलाने पर सहमति बनी है और साथ ही उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर कार्य मंत्रणा में निर्णय होगा, सोमवार से शीतकालीन सत्र शुरू होगा। तो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने बैठक के बाद यह बयान दिया शीतकालीन सत्र को लेकर। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ज्यादा समय तक चलेगा ये शीतकालीन सत्र, यानी कि इसका जो समय सीमा है वो बढ़ा दिया गया है। साथ ही ये भी बताया गया कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कार्य मंत्रणा में निर्णय किया जाएगा। इसके अलावा सोमवार से शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। तो तमाम बातें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बता दें कि मीडिया से मुखातिब होते हुए कही है। जब मीडिया से मुखातिब हुए नरोत्तम मिश्रा, तब उन्होंने ये बात कही और उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें यह फैसला लिया गया है कि अब ज्यादा समय तक चलेगा शीतकालीन सत्र और साथ ही अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कार्य मंत्रणा में निर्णय किया जाएगा। इसके अलावा सोमवार से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो जाएगी। वातावरण माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और ये तय हुआ है कि सारगर्भित चर्चा सदन के हर विषय पर हो, चाहे वो शून्यकाल हो, ध्यानाकर्षण हो, प्रश्नकाल हो या बजट से अनुपूरक मांगों के संबंध में चर्चा हो, अधिक से अधिक हमारे सभी सदस्यों को बोलने का अवसर हो और सारगर्भित चर्चा हो।